नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ दोस्तों और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉम ब्लॉग पोस्ट। आज इस वीडियो में आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी भी है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है NAPS2। इस सॉफ्टवेयर में कई सारे फीचर्स है, जैसे कि आप अगर आपके पास अलग अलग स्कैनर्स है तो आप अलग अलग स्कैनर्स के हिसाब से प्रोफाइल बना के आप उसमें स्कैनिंग कर सकते हैं। आप इसमें अपना पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि A4 साइज, A5 साइज, और इसमें आप अपनी स्कैनिंग के कॉन्फ़िगरेशन में DPI भी सेट कर सकते हैं, जैसे 100 DPI, 200, 300, 400, 500। अगर आपको इसमें स्कैनिंग कलर में चाहिए तो कलर में भी सेट कर सकते हैं, ग्रे स्टाइल में चाहिए तो ग्रे स्टाइल में भी सेट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी सेट कर सकते हैं। में आप जो फोटोज आपने स्कैन किए हो आप उसको एक साथ भी सेव कर सकते हैं, एक साथ PDF बना के भी सेव कर सकते हैं और अलग अलग भी सेव कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑटोमेटिक स्कैनिंग भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बैच स्कैनिंग। यह स्कैनिंग में क्या सिस्टम है कि अगर आपको 1000 स्कैनिंग करनी हो तो आप 1000 स्कैनिंग का सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन करके हर एक स्कैन के बीच में 15 सेकेंड का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है यहाँ पे URL में, NAPS2। एंड फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। NAPS का फुल फॉर्म है नॉन अनदर PDF स्कैनर टू, तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो अभी हम इसे ओपन करके इंस्टॉल करेंगे। ओके, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर जरूर टिक कर देना, क्योंकि इसको टिक करने के बाद आपको एक शॉर्टकट लिंक डेस्कटॉप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट इंस्टॉल। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे स्कैनर को सर्च करना है, दबा के कुछ डिवाइस। कुछ डिवाइस में जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्कैनर है, दो स्कैनर के प्रोफाइल में चाहूँ तो बना सकता हूँ, पर हाल फिलहाल मुझे अभी कैनॉल स्कैन ILDE 400 को यूज़ करना है, तो इसको ओके दबा के मैं कर दूंगा सेव। फिर मुझे पेपर सोर्स को चेंज नहीं करना है, पेपर साइज को चेंज करना है, क्योंकि मुझे स्कैन करना है A4 साइज के पेपर्स। फिर इसके रिजोल्यूशन में सेट करूंगा 200 DPI। आज चाहे तो 1200 DPI तक कर सकते हैं, पर 1200 DPI के करने के बाद स्कैनिंग का टाइमिंग काफ़ी स्लो हो जाएगा। फिर डेप्थ मेरे को सिलेक्ट करनी है, अगर मैं चाहूँ तो ग्रे स्टाइल में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 24-bit कलर में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले 24-bit कलर में सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसमें अपनी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें दबाना है ओके, फिर यहाँ से डन। चलो अभी हाल फिलहाल हमने स्कैन करूंगा मेरा हैंड, तो यहाँ से दबाने के बाद आप स्कैन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ यहाँ पे स्कैन हो चुका है। तो अभी आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट सेव एज इमेज पे जाके कहीं भी आपका जो फाइल आपको जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, PDF में भी सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको सेव करनी है। उसके बाद यहाँ से आप इसका रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं जैसे आपको करना है सेट। के बाद आप इसका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो।
यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट राइट फ्लिप और डिस्क की और कस्टम रोटेशन। तो हम इसको करेंगे फ्लिप। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो फोटो था वो पिछले से काफ़ी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका शार्पन भी कर सकते हैं कि इसको हमें कितना शार्प करना है। तो ये अब मैं इसको शार्प करूँगा 354 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज में थोड़ा सा माइनर फर्क है, ज़्यादा नहीं है। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरी स्कैन। आप इसके लिए जरूरी नहीं ये बटन को माउस से इस बटन को क्लिक कर सकते हैं, आप F2 भी दबाएंगे तो भी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास दो फोटो है। अभी मैं आपको तीसरा भी स्कैन करके बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं स्कैन करूंगा मेरा मोबाइल। अब हमारे पास हो चुकी है 3 फोटोज। अब हमें इसका क्या करना है, अगर हमें इसको एक साथ PDF बनाना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इसे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे आपको सेव करना आप कर सकते हो। अब मैं इसका नाम रखूँगा compdroid.dhost सेव। ये सेव हो चुका है, अब हम इसे बाहर जाके खोलते हैं। आप देख सकते हैं तीनों जो इमेज थी हमने स्कैन की है वो एक PDF में बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको अलग अलग फोटोज में कैसे सेव कर दें। तो अभी हमने PDF का तो सीख लिया, अभी हम क्लिक करेंगे सेव इमेज पे। सेव इमेज पे वापस हुई compdroid.dhost और इसके पास सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये तीनों फोटोज एक में नहीं होंगे और ये तीनों फोटोज अलग अलग सेव होंगे। compdroid Ghost 1, Comrade Ghost 2, Comrade Ghost 3। ये हमने जो पहला फोटो जो स्कैन किया था ये दूसरा जो स्कैन किया था और ये तीसरा। अब मैं आपको इसका दूसरा और नया फंक्शन बताता हूँ। जैसे कि अब आप इसको यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं, पर इसके लिए अब आपको यहाँ पे ईमेल की सेटिंग करनी होगी। वैसे इसमें कई सारे फंक्शंस है, हॉटमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पैकेज मेल, जीमेल और आउटलुक वेब एक्सेस। यहाँ से आप इसे ईमेल और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो सबको एक साथ भी रोटेट कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट लेफ्ट। फिर आता है बैच स्कैनिंग। अब बैच स्कैनिंग में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है मल्टीपल स्कैन फिक्स डिले बिटवीन स्कैन्स, मतलब कि हमें काफ़ी सारे स्कैन करने हैं और इसके बीच में थोड़ा टाइम सेट करना है। जैसे कि अब मैंने कर दिया नंबर ऑफ स्कैन 3 और टाइमिंग बीच में सेट कर दिया 10 और इसको सेट कर दिया स्टार्ट। आप देखेंगे कि अभी स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। अगर हमने 3 नंबर ऑफ स्कैन डाले तो तीन ही स्कैन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। Waiting for scanning 2. Waiting for scanning 3. 10 सेकंड के बीच में तीनों पेपर ऑटोमेटिक या तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक स्कैन कर देगा। स्कैन करने के बाद ये कर देगा ऑटोमेटिक सेव। आप देख सकते हैं ये जो थे वो पुराने फोटो जो हमने स्कैन किए थे और ये है जो नवे। ऐसे करके आप बैक स्कैनिंग भी कर सकते हैं एक साथ विदाउट टचिंग योर कंप्यूटर। अब मैं आपको बताऊंगा इसे सेव करने के बाद इसे वापस क्लियर कैसे करना है। तो ये क्लियर दबाने के बाद अगर आप यहाँ से क्लियर कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किए वो डिलीट नहीं होंगे, बस ये सॉफ्टवेयर से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप चाहें कि आपको बहुत सारे फोटोज को आपको एक साथ रीनेम करना है
कि आपको सारे फोटोज, जैसे कि 10-15 फोटोज है, उसको आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जो बाहर मैंने 5 फोटोज रखे हैं, जो 5 इमेजेस रखी है, इसे मुझे रीनेम करके एक जगह सेव करना है। तो यार जैसे कि मुझे इसमें सादा पीडीएफ बना, तो पीडीएफ बना के तो मैं सेव कर दूंगा comp डेस्कटॉप पे। तो आप ऐसे कोई भी फोटोज को आप एक साथ पीडीएफ बना के या रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम का मैं अभी बता देता हूँ आपको। अभी तो हमने बनाया पीडीएफ, अब हम इसको करेंगे रीनेम। रीनेम हम ऐसे करेंगे, इसका नाम है comp-drOID। आप देख सकते हैं कि comp.1, comp.2, comp.3, comp.4, comp.5। अब आप ऐसे करके क्लिक कर कोई भी इमेजेस को आप ऐसे रीनेम कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।